हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की, BPCL की। काफ़ी न्यूज में है ये, क्यों न्यूज में है? प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट होने वाला है ये, उसको लेकर न्यूज में है। और सेकेंडली कुछ एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं उसको लेकर भी न्यूज में है। और जो लॉकडाउन धीरे धीरे रीओपन हो रहा है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड बढ़ रही है उसको लेकर भी काफ़ी न्यूज में है। तो क्या ये लेवल बाय करने का है? कितना अभी इसके अंदर डाउनसाइड बनता है और कितने टारगेट्स इसके बनते हैं? अगर प्राइवेट हो जाता है तो कौन कौन से जो कंपनियां जो इसको टेक ओवर कर सकती हैं, कौन सी मैनेजमेंट है जो इसको अच्छा चला सकती है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और वो क्या इसको कहां से कहां तक ले जा सकती है? अभी जो इसके ऊपर बर्डन है सब्सिडरीज का, गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उसको चेंज करना, तो आगे चल के ये कैसा आपको रिटर्न दे सकता है, कितना इसके अंदर डाउनसाइड है, कितना इसके अंदर टारगेट्स बनते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशो कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारत पेट्रोलियम के साथ। 377.55 जैसे आप देख रहे हैं प्राइस इसका अभी चल रहा है, 0.84% की तेजी के साथ 24 दिसंबर को बंद हुआ है 4 बजे के आसपास। तो डे रेंज जो रही है इंट्राडे में 381.25 की हाई लगाया था और जो लो बनाया था 375.55 का इसने बनाया था। 52 वीक रेंज देखेंगे, 52 वीक हाई जो है 510 का है और जो लो है 252,000 रुपये का, जो कोविड टाइम पे इसने बनाया था। वॉल्यूम्स इसके अंदर अच्छे रहते हैं, 60,65,000 के आसपास का इसके अंदर आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं। तो मार्केट कैप भी इसकी हम चेक कर लेते हैं और रेशो चेक करेंगे। मार्केट कैप जो है 81,900 रुपये का इसका मार्केट कैप है। अच्छी बड़ी कंपनी है। जो डेट है इसकी 49,266 की है और डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनती है 1.23 की बनती है। कैपिटल जो डेट रहती है इसके अंदर जो रिफाइनरी ये स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस है इनका जिस सेक्टर के अंदर है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इतनी डेट होना, चाहे वो IOC हो और चाहे वो BPCL हो, सभी की डेट आपको मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर जो गवर्नमेंट से इनकी रिकवरीज होती हैं, जो पैसा आता है सब्सिडीज वगैरह का, उसको आने में टाइम लगता है। तो उस बेस पे भी ये डेट लेते हैं और डेट दिखाई देती है इनकी बुक्स के ऊपर। तो ये नॉर्मल इसके अंदर बिजनेस के अंदर इनके है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनती है 1.2% के आसपास की बनती है। अगर ROCE देखेंगे तो 8.2% के आसपास की है। ROE देखेंगे तो 12.6% की है, जो कि ठीक ठाक है, वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। क्योंकि स्टॉक डाउन भी आया हुआ है और आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म करता है, कैसे इसकी रेशियो सुधरती हैं, वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। अगर करंट प्राइस देखेंगे तो 378 के आसपास ये काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया बुक वैल्यू 185 की है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 2.04 के आसपास ये काम कर रहा है, जो ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं कह सकते, बट बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है, ठीक ठाक ये काम कर रहा है 2.04। फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, इंप्रेसिव है। PS2 है, तो PS2 जितनी भी कंपनीज आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा जाता है इनका। तो इसका भी देखेंगे करंट प्राइस के ऊपर 4.37% के आसपास का इसका डिविडेंड यील्ड बनता है। 510 का हाई है, 252 इसका लो बनता है और 378 के आसपास ये इस टाइम काम कर रहा है। अगर चार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे 200 DMA से ऊपर ये बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर भी इसने क्रॉस किया, तो बेस जो बना रहा है 200 DMA के आसपास ये बेस बना रहा है और अभी ये ऑलमोस्ट 200 DMA के आसपास ये काम करता हुआ आपको नजर आएगा। तो कंपनी का ये देखेंगे तो डिविडेंड पे, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो डिविडेंड पे आउट करते हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर हम देखते हैं तो सेल्स जो है मार्च 2008 में अगर कंपेयर करें पिछले कुछ क्वार्टर से, तो पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं 2018 से, जून 2018 से, तो सेल्स जो है 71,805 की थी, वो कोविड की वजह से थोड़ी डिप आती हुई आपको नजर आएगी। आप देखिए यहाँ पर 74,000 के आसपास थी, 74-75,000 पहुँच गई थी, बट अब ये रिकवर होती हुई नजर आ रही है। जून में जो थी 37-38,000 के आसपास थी, अब ये 49,000 के आसपास पहुँच गई है। अगर OPM भी देखेंगे तो पहले जो 6% के थे, अब 10% के आसपास ये काम कर रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो 4,500 करोड़ के आसपास जो था, तो 4,900 करोड़ के आसपास का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट देखेंगे जो 2,900 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट था, वो 2,263 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स जरूर डिप हुए हैं क्योंकि सेल्स भी डाउन हुई है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थे वो सुधरे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। मेन है इनका जो डेट है उसे इंटरेस्ट जो पे करते हैं उससे भी इनके नेट प्रॉफिट पे असर पड़ता है। अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें मार्च 2009 को मार्च 2020 से, तो आप देखेंगे 1,35,000 करोड़ का जो सेल्स था वो 2,84,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। OPM भी देखेंगे, पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, तब एनुअली बेस पे देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट
रखते हैं वो 3% से अभी 3% भी बने हुए हैं, बट बीच में आप देखेंगे 2-3 साल इन्होंने 7% के आसपास भी इस पर काम किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 3847 करोड़ के थे, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8400 करोड़ के आसपास हैं, जो कि बीच में देखेंगे 2-3 साल 15-15 हजार को भी इन्होंने टच किया है, तो अभी ये आपको नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे 634 करोड़ का जो हुआ करता था वो 3000 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने मार्च 20 में दिया है, बट 18 और 19 में देखेंगे बहुत अच्छे इनके जो प्रॉफिट्स थे, नेट प्रॉफिट भी 9000 करोड़ के और 7800 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट ये निकाल के दे रहे थे। तो रिफाइनरी मार्जिन वगैरह जो है उससे कुछ प्रेशर्स इनको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉफिट्स भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बोरिंग की बात करें कितना डेट इनकी बुक्स के ऊपर है वो भी हम चेक कर लेते हैं, तो 24,000 का जो डेट था वो अभी आपको 49,000 करोड़ के आसपास का डेट मिलेगा। तो ये डेट जो है मार्च 2020 में 65,000 का था, तो अभी देखेंगे 16,000 करोड़ के आसपास का डेट कम हुआ है सितंबर 20 में। तो डेट जो है एक रेंज के अंदर इनका चलता हुआ आपको नजर आएगा, 44,000 करोड़, 49,000 करोड़। तो डेट काफी अप डाउन होता है क्योंकि कैपिटल काफी इसके अंदर लगती है, तो डेट इनका एक मेजर इशू तो है। अगर डेट कम कर ले तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट सुधरते हुए आपको नजर आएंगे। रिजर्व जो थे 12,950 करोड़ के जो हुआ करते थे, आप देखेंगे 38,000 करोड़ के आसपास के सितंबर में रिजर्व्स हो गए हैं। एसेट्स जो 54,000 के थे वो 1,52,000 करोड़ के हो गए हैं। एवरीथिंग जो इस बुक के अंदर आपको नजर आ रही है बहुत अच्छी है, सिर्फ डेट का एक इशू आपको नजर आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज रिजल्ट्स ये धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और इनमें इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज हैं कि ये अगेन अपने इस लेवल को टच कर सकें जो 2018 में इन्होंने रिजल्ट्स दिए थे, अगेन अपने जो ओपीएम है इनके ऊपर काम कर सकें, बिल्कुल इनके अंदर उतनी कैपेसिटी है बीपीसीएल के अंदर कि उस लेवल पर ये पहुंच सकें। अगर उस लेवल पे पहुंचते हैं तो शेयर का जो प्राइस है जो आपको अभी 550 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई नज़र आ रहा है, शेयर उससे कहीं ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। डेटर डे जो होते हैं जो इनको ये सामान जो भी कंपनी बेचती है उसका जो पैसा पीछे से आता है अपने क्लाइंट से, तो ये आपको दिखा रखा है 7 डेज का एवरेज इनका पीरियड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखते हैं, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 54.31% जो थी, आप देखेंगे 52.98% के आसपास है, जो पिछले कई क्वार्टर से मेंटेन है। FII की होल्डिंग भी इसमें 22% से 11.98% के आसपास हुई है, 10% कम हुई है, जबकि DII की जो होल्डिंग है 8.45 से इंक्रीज होकर 20.57 के आसपास हुई है। तो FII का कहीं ना कहीं स्टेक 10% के आसपास कम हुआ है, जबकि DII का जो स्टेक है ऑलमोस्ट 11-12% के आसपास इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट की आप होल्डिंग देखेंगे 0.86 के आसपास की है, तो पब्लिक की जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट जो है 14.32 से 13.61% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग हुई है। तो ओवरऑल आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अच्छा आपको नजर आएगा। FII का भी होल्डिंग है, DII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसके अंदर, और DII की जो होल्डिंग देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से इसके अंदर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। मार्च 2019 में 15.32 थी, देन 15.58, 17.96, 18.47, 19.61, हर क्वार्टर में आपको थोड़ी थोड़ी इसके बढ़ती हुई ही नजर आएगी मार्च 2019 के। पिछले आप देखेंगे 6-7 क्वार्टर से ये ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन होता है जब DII या FII होल्डिंग्स को बढ़ाते हैं। अब इसके ऊपर न्यूज़ देख लेते हैं किस टाइप से ये न्यूज़ काम कर रही है। अब देखेंगे 14 दिसंबर के आसपास की न्यूज़ है जो कि नवंबर की बताई गई है। फ्यूल डिमांड क्लाइम्स फॉर थर्ड स्ट्रेट मंथ इन नवंबर, जो फ्यूल डिमांड है वो लगातार इनकी जो है बढ़ती जा रही है जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिकेंगे, गाड़ियां चलेंगी, कंपनी चलेंगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, तो इनकी जो फ्यूल की डिमांड है बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे रिवेन्यू अपने लाइन पर आएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स सही होंगे, तो ये अगेन प्रॉफिट्स में आती हुई कंपनियां नजर आएंगी। तो आप देख सकते हैं फ्यूल डिमांड क्लाइम्स फॉर थर्ड स्ट्रेट मंथ इन नवंबर, तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्री कोविड लेवल को ये टच करेगी चीज़ें, तो इनके प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे अच्छे खासे होते हुए आपको नजर आएंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, OMC's gain on better demand, but refining margin rise is awaited. तो आप देखेंगे जो भी कंपनीज हैं उनका जो OMC का डिमांड है वो बहुत अच्छी हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया लॉकडाउन जैसे जैसे ओपन हो रहा है OMC's के प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी होती जा रही है, चाहे वो किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स हों, पेट्रोलियम से रिलेटेड हों, चाहे उस लुब्रिकेंट से रिलेटेड हों, तो हर प्रोडक्ट की इसकी डिमांड अच्छी हो रही है। रिफाइनिंग मार्जिन पर जरूर थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, बट ये धीरे धीरे ये मंथ ऑन मंथ इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें। इसके बाद देखते हैं BPCL टू कंसीडर 100% ओनरशिप ऑफ बीना रिफाइनरी।
ये 16 दिसंबर की ही न्यूज है। तो आप देखेंगे कि जो रिफाइनरी बिना की है उसके अंदर जो पहले इनका स्टेक था BPCL ऑलरेडी ऑन द मेजोरिटी 63.4% स्टेक इन बिना रिफाइनरी। सेक्टर एक्सपर्ट बिलीव द एक्विजिशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेक विल सूथन द डाइवर्समेंट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट 52.98% स्टेक इन द ऑयल मार्केटिंग कंपनी। जो इनका प्रोसेस चल रहा है प्राइवेट करने के लिए इस रिफाइनरी के बाद वो थोड़ा सा और स्मूथ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो दूसरे इसके अंदर इन्वेस्टर से बिना रिफाइनरी के अंदर अब इन्होंने टोटली स्टेक इसका अपने हाथ में ले लिया है। अब देखेंगे कि कंपनीज बोर्ड वुड बी ऑन वेडनेसडे टेक ए कॉल ऑन बाइंग ए 36.6% इक्विटी शेयर इन भारत ओमान रिफाइनरी BORL। आप देख सकते हैं कि 36.6% के ऊपर ये कर रहे हैं और मेजोरिटी स्टेक इनके पास पहले ही है, तो 100% स्टेक इनके पास आता है। तो ये आगे जो प्राइवेट कर रहे हैं चीज़ों को, BPCL को प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी और इजी होती हुई आपको नजर आएंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरनल मीटिंग हेल्ड बाय ऑयल मिनिस्टर ऑन BPCL एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी लास्ट वीक। आप देख सकते हैं ये 26 दिसंबर के आसपास की ही न्यूज है, 8:42 की, और इसके अंदर BPCL की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जो एक्सपोर्ट ये करते हैं उसको और कंट्रीज में भी एक्सपेंड करने की ट्राई की जा रही है, और इसके लिए काफ़ी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। यानी BPCL को अब एक ग्लोबल कंपनी, एक बहुत अच्छा बिजनेस, एक एक्सपेंड करने का बिजनेस बनाया जा रहा है। क्योंकि कंपनी की इंटेंशन है जितना बिजनेस इनका अच्छा होगा, शेयर प्राइस अच्छा होगा, डाइवर्समेंट करते हैं तो इनको भी अच्छा उसके अंदर हिस्सा जो है मिलेगा, जो अभी काफ़ी इनकी जो टारगेट है उनसे कम चल रहा है। अब देखिए, गवर्नमेंट सजेस्ट एक्सपेंशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर BPCL। गवर्नमेंट सजेस्ट कंपनी टू आइडेंटिफाई वेरियस मार्केट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। गवर्नमेंट लुकिंग एट एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ BPCL रिफाइनरीज एंड लुब्रिकेंट टू अदर कंट्रीज। आप देख सकते हैं BPCL पे मेन फोकस किया हुआ है, इसको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाने के लिए काफ़ी कंट्रीज, काफ़ी मार्केट्स, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी उन पर फोकस भी किया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे, सब मैं न्यूज़ छोटी छोटी बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में, क्योंकि इन सभी न्यूज़ का स्टॉक के ऊपर बहुत असर पड़ेगा जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। बेस स्टॉक बना चुका है और ये पॉजिटिव जो न्यूज़ होती हैं और वो स्टॉक को काफ़ी ऊपर लेके जाती हैं। आप देख सकते हैं BPCL टू एक्वायर, ये मैंने आपको अभी बताया ओमान की जो 36% स्टेक है वो ये ले रहा है, तो आप ये भी देख सकते हैं, ये 15 दिसंबर के आसपास की ही न्यूज है। अब आप देख सकते हैं जो डाइवर्समेंट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, उसके लिए 3 जो है बिडर्स बुलाए जा चुके हैं, और क्लियरली है कि इसके लिए बिडिंग जो टर्न कम्पिटिटिव ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ PE प्लेयर्स। इसके अंदर जो 3 प्लेयर्स आए हैं वो आप देख सकते हैं, एक तो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, वेदांता का तो आपको सबको पता ही है, वेदांता ने सबसे पहले जो है EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो लिया था नवंबर में, उसके बाद अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और थिंक गैस। तो 3 प्लेयर्स इसके अंदर हो गए हैं और जो है बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बिडिंग टू टर्न कम्पिटिटिव ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ PE प्लेयर्स। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है और स्टार्ट हो चुका है, और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा शेयर के प्राइस पे भी आप देखेंगे अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ इस पे नजर आएगा। आप देख सकते हैं BPCL हैज ए वास्ट रिटेल नेटवर्क, 20% शेयर इन रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिजनेस एंड ह्यूज रिफाइनरी कैपेसिटीज, वाइल हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन E&P एसेट्स रिमेन अट्रैक्टिव फॉर ग्लोबल प्लेयर्स बेयरिंग OPI ऑफ द इंडियन फ्यूल मार्केट। जो इनके पेट्रोल पंप्स हैं वो 17,000 के आसपास पेट्रोल रिटेल स्टेशन हैं, उसके अलावा ये जो स्टेक रखते हैं पेट्रोल पेट्रोनेट LNG में इनका स्टेक है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में इनका स्टेक है, IGL में आपको पता है IGL के ये प्रमोटर्स हैं गेल के साथ, पेट्रोनेट LNG के हिस्सा इनका अच्छा खासा हिस्सा है, 17,000 के पेट्रोल पंप हैं, 17,000 का अच्छे पेट्रोल पंप हैं इनके पास। तो जो भी बाहर से इसको एक्वायर करना चाहता है इन सब के लिए वो अच्छी अमाउंट दे सकता है, उसको चलता हुआ पूरा बिजनेस मिल रहा है। ये बिजनेस जो इनका है BPCL का LPG से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको बताया जा रहा है कि 3 साल तक जो भी इसको एक्वायर करता है वो चलाएगा, उसके बाद ये उसको IOCL में मर्ज कर सकते हैं या फिर HPCL के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, जो HPCL का BPCL का LPG बिजनेस है।
अब यहाँ देख सकते हैं, दी फर्म्स कुकिंग गैस एलपीजी कस्टमर्स विल बी ट्रांसफर टू अदर स्टेट ओन्ड फर्म्स आईओसीएल और बीपीसी एचपीसीएल इन केस द न्यू ओनर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद सच ए बिजनेस द ऑफिशियल एडिट। ये टर्म्स उसके अंदर रखी गई है 3 साल के लिए, उसके बाद इसको मर्ज किया जा सकता है आईओसी के साथ या फिर एचपीसीएल के साथ। अब देखिए वेदांता ने एक्विजिशन के लिए ये कितने सीरियस हैं, इन्होंने वेदांता प्लान टू रेज $8 बिलियन फॉर बीपीसीएल एक्विजिशन, ये 16 दिसंबर की न्यूज है। तो इन्होंने अपना जो है बैंकों के साथ टाई अप करना स्टार्ट कर दिया है वेदांता ने। आप देख सकते हैं अनिल अग्रवाल लीड वेदांता इज लुकिंग टू रेज $8 बिलियन बाय डेट एंड इक्विटी एज इट प्रिपेयर्स टू मेक ए बिड टू एक्वायर बीपीसीएल। बैंकों के साथ इन्होंने टाई अप करना स्टार्ट कर दिया है और पूरी की पूरी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। अगर इनको मौका मिलता है तो ये इसे लेंगे, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो ये पहले ही ले चुके हैं। वेदांता एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बीपीसीएल इज टू एवेल्युएट पोटेंशियल एनर्जी विद आवर एग्जिस्टिंग ऑयल एंड गैस बिजनेस। आप देख सकते हैं इन्होंने टाई अप्स भी करने स्टार्ट कर दिए हैं $8 बिलियन जो बैंकों के साथ टाई अप करना होता है। आगे की प्लानिंग्स जो होती हैं कितने ये सीरियस हैं, चाहे किसी भी रेट्स पे मिले, क्योंकि इनको पता है इनके जो बाकी के बिजनेस चल रहे हैं उसके साथ क्या सिनर्जी है, उसकी कितनी फिट बैठती है उनके साथ। अब देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन का जो टारगेट था FII 21 का था गवर्नमेंट की तरफ से कि मार्च 2021 से पहले इसको प्राइवेट किया जाएगा, बट अभी ये थोड़ा सा आगे को खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बट ये ट्रैक पर है और आने वाले टाइम पे ये होता हुआ नजर आएगा। ये सिर्फ आगे इसलिए खिसक गया है क्योंकि कोविड की वजह से जो दूसरी कंपनियां थी वो यहाँ के इसको एसेस नहीं कर पा रही थी कि इनके कितने एसेट्स हैं कैसे हैं, तो रिव्यू करना जरूरी होता है, तो बाहर की जो कंपनियां थी वो इसको नहीं कर पा रही थी। अब जैसे कोविड में जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहे हैं तो कंपनी बिड भी डाल पा रही हैं और देख पा रही हैं कैसे कैसे इस प्रोसेस को आगे चलाना है। तो अभी टारगेट्स देख लेते हैं, एमके ग्लोबल ने जो टारगेट्स दिए हैं इसके वो आप देख रहे हैं। अभी जो प्राइस है 377 का है LTP लास्ट ट्रेड प्राइस जो है, टारगेट दिया है इन्होंने 490 का, 30% की अपसाइड ये दिखा रहे हैं। और ये जो भी दिखा रहे हैं ये सब इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पेट्रोनेट LNG में, IGL में, ऑयल इंडिया में, अपस्ट्रीम जो है एंड जो दूसरी चीजें हैं, ये टारगेट्स 500 तक के भी बता रहे हैं। इट कैन स्टिल बाय बीपीसीएल एट ₹500 पर शेयर, आप देख पा रहे हैं। और डिविडेंड यील्ड इनकी इतनी अच्छी है कि वो बता रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड ही बहुत ही अच्छी है इसकी। बीपीसीएल का नेक्स्ट टारगेट आप देखेंगे तो यहां पर ये बताया गया है मैक्वारी की तरफ से कि इनके जो बुल केस जो टारगेट्स हैं वो 690 पर शेयर का है। आप देख सकते हैं 690 के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं, और जो सिंपल केस में इनकी एवेल्युएशन निकल कर आती है वो भी वैल्यूएशन 450 टू 550 के आसपास की है, और जो SOTP के बेस पे बुल केस में देखें तो 690 का शेयर प्राइस इसका निकल कर आता है। आप इजीली इसके अंदर दे सकते हैं। और जब आज से 1 साल पहले इसकी न्यूज आई थी कि इसे प्राइवेट किया जा रहा है या प्राइवेट कर रहे हैं, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तब शेयर आप देखेंगे 550 से ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा आप देखेंगे ये शेयर जो है 550 से ऊपर अगेन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अभी हम इसे ट्रेंड लाइन और सब देख लेते हैं कि किस टाइप से ये शेयर काम कर रहा है। सबसे पहले हम इसका रिट्रेसमेंट देखते हैं, जो शेयर ने यहाँ पर कोविड टाइम पे लो बनाया था और उसके बाद एक हाई बनाया है, तो कितना ये रिट्रेस, इसके बाद जो करेक्शन हुई है कितना ये रिट्रेस कर चुका है और कितना ये ऊपर जा सकता है उसको हम एक रिट्रेसमेंट लेवल पे देखेंगे। फिबोनाची लगाकर देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर हमने लो लिया, यहां से हमने इसका लो लिया और इस हाई को हमने पकड़ा। तो आप देखिए जो इसका रिट्रेसमेंट है, आप देखिए जो गोल्डन लाइन है 61.8 की ऑलमोस्ट इसके आसपास आके इसने बाउंस बैक किया है। तो 61.8 की जो लाइन बनती है 340-342 के आसपास की लाइन बनती है। अभी स्टॉक जो है 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 340 के आसपास जब भी स्टॉक आता है किसी भी करेक्शन में, निफ्टी हाई चल रहा है या कोई भी ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आता है, तो 340-342 के आसपास का एक बहुत ही अच्छा लेवल है जिसके ऊपर स्टॉक को लिया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। जैसे जैसे मैनेजमेंट चेंज होगी, जो इसके ऊपर एक PSU का नाम लगा हुआ है, और जैसे जैसे प्राइवेट होगा इनके बिजनेस बढ़ेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा, तो आप देखेंगे ये जो शेयर है 1000 से भी ऊपर बिकता हुआ आपको इजीली नजर आएगा। तो अभी हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन को भी देखते हैं, ट्रेंड लाइन लगाकर
अब देखिए जो इसका ये लो बना था उसके बाद शेयर देखिए इस टाइप से आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर शेयर ने लो बनाया है, उसके बाद ये ऊपर गया है, यहाँ पर फिर इस लाइन पे बेस लिया है और अभी इस लाइन के आसपास ही, अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो 350 के आसपास का इसके अंदर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बेस बना सकता है। तो ऊपर से भी अगर आप इसे देखते हैं कितना ये करेक्ट हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ पर ये कौन सा रेजिस्टेंस को फेस करता है, आप देखिए ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए इस टाइप से, तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, स्टॉक नीचे आया, यहाँ पर अगेन ऊपर जाने की ट्राई किया बट नीचे आया, अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट किया फिर नीचे आया, इस लाइन पे सपोर्ट लिया, अब इस लाइन पे दो बार अगेन ये टच कर चुका है। जैसे इसको कोई भी अच्छी न्यूज आती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं या जो प्राइवेट हो रहा है उसकी तरफ से कोई भी अच्छी न्यूज आती है, इसको ये ब्रेक करता है तो ये आपको इजिली ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं इसे क्लियर, आप देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, या रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन इस लाइन के ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर ये इजीली काम कर रहा है। और जो लॉन्ग टर्म में आप देखिए यहाँ पर जो इसने 550 का हाई बनाया था वो भी इसने द्वारा टच किया था, और इस लाइन को आप इजीली देख सकते हैं यहाँ से आप इस लाइन को, तो ये स्टॉक जो है इजीली द्वारा 550 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पर जो है प्री कोविड लेवल पे 2018 में भी इस लेवल पे ये काम किया करता था, 550 के आसपास, 500 550 के आसपास काम किया करता था। अगेन ये 2020 में इस लेवल के ऊपर पहुंचा, आप देखिए प्री कोविड लेवल पे 2 550 549 का लेवल जो दिख रहा है आपको, तो 2-3 बार ये इस लेवल को टच कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होगा रिवेन्यूज बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जो प्राइवेट का एक हैंगओवर है धीरे धीरे वो भी छटेगा इसके ऊपर से, तो ये शेयर आपको ऊपर जाता हुई नजर आएगा। डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है, अप साइड बहुत अच्छी बनती है इसके अंदर। तो ट्रेंड लाइन को मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ, एक सुपर ट्रेंड हम इसके लगा के देखेंगे कि इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस बनता है और कहां पर ये सपोर्ट आगे ले सकता है। अब सुपर ट्रेंड देखिए, सुपर ट्रेंड ने यहां पर सिग्नल दिया था बाय सिग्नल कि इसे बाय करके चल सकते हैं 9 नवंबर को 365 के रेट पर। यहां इसने सेल का सिग्नल दिया है कि इसे सेल किया जा सकता है, थोड़ी बिकवाली इसके अंदर आ सकती है, और ये बिकवाली जो आएगी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी आएगी। अगर 350-340 के आसपास ये मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए 3-5 साल के लिए रखा जा सकता है। आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है 1000 के आसपास भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। इमीडिएटली नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 महीने में आप ले लोगे तो 3 गुना ये शेयर हो जाएगा, 3-5 साल लगेंगे जैसे जैसे प्राइवेट की आप ये न्यूज चल रही है, क्योंकि ये शेयर पे जो प्रेशर बनता है, शेयर ऊपर जाता है जब भी कोई न्यूज आती है, तो न्यूज ड्रिवन एक शेयर ये बन गया है। जैसे जैसे कोई अच्छी न्यूज आती है ये ऊपर जाता है, जैसे ही गवर्नमेंट बताती है कि डेडलाइन उसने फिर बढ़ा दी है तो ये शेयर नीचे आ जाता है, तो एक रेंज बाउंड ये हो चुका है शेयर न्यूज के बेस पे। तो जैसे जैसे ये न्यूज क्लियर होती चली जाएगी, लॉकडाउन ओपन होता चला जाएगा, तो ये शेयर आपको द्वारा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आरएसआई को भी अगर स्टडी करते हैं हम, आरएसआई कहाँ नजर आती है, आरएसआई देखेंगे ना तो ये ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड जोन में है, 45 के आसपास ये क्लियर नजर आ रही है आपको, बल्कि ऊपर से जो करेक्ट हुई है आप देखेंगे 66-67 के आसपास, 72 के आसपास ही आरएसआई जो पहुंच गई थी, बट अभी जो करेक्ट हुई है तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको दिखाई दे रही है। तो आरएसआई भी इतनी हाई इसकी नजर नहीं आती है। एमएसईडी को भी हम लगा के देखेंगे, एमएसईडी देखेंगे यहाँ से क्रॉसओवर शेयर ने दिया था तब अच्छे लेवल पे था, 341 के आसपास का, वही लेवल मैं बता रहा हूँ, अगर इस लेवल के आसपास आपको दोबारा मिलता है तो आपको बिल्कुल इसे लेना चाहिए, बहुत ही कम रिस्क इसके अंदर है और फंडामेंटल बहुत अच्छे हो रहे हैं इसके, तो सिर्फ एक कंसोलिडेशन मोड में है जो एमएसईडी हमें दिखा रहा है, तो थोड़ा कंसोलिडेट ये कर सकता है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। एक और पैराबोलिक सार भी हम लगा के देखेंगे, जो पैराबोलिक सार है वो रेजिस्टेंस जो बता रही है वो रेजिस्टेंस आपका है 404 का, एक रेजिस्टेंस बता रही है कि 404 को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में द्वारा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कोविड के बाद भी इस स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिए हैं, आप देखिए इस लेवल से जब कोविड था इस लेवल पर आया था, इस लेवल से उसके बाद भी इस स्टॉक ने द्वारा इस लेवल तक पहुंचने की ट्राई की है, बट जो प्राइवेट का केस चल रहा है बार बार न्यूज आती है उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट होता है और एक लेवल इसने अब बना लिया है। सारी न्यूज इसके अंदर फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं, जो बुरी न्यूज है अच्छी न्यूज का सिर्फ वेट कर रहा है कि ऊपर कब चढ़ा जाए। एटीआर भी अगर आप देखेंगे
तो एक लेवल जो दिखा रहा है ये भी सेम लेवल 405 407 का लेवल दिखा रहा है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है और बाइंग जोन के अंदर ये बिल्कुल शेयर आपको नजर आता है, आपको इसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। बोलिंजर बैंड भी हम देखते हैं, बुलिंजर बैंड का जो लो है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 366 का लो है और ये ऑलमोस्ट यहीं से आपको बाउंस करता हुआ वापस नजर आता है। इस लेवल के ऊपर जब भी शेयर आए आपको बाय करना है। टारगेट्स देखिए, ये भी जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है 410 के आसपास का ही दिखा रहा है, जो अपर बैंड है इजिली अपने अपर बैंड के आसपास जाता है और वहीं से करेक्ट होता है। तो 410 के आसपास का अपर बैंड है, लोअर बैंड 365-360 के आसपास का दिखाई दे रहा है। पिवट पॉइंट भी अगर हम लगा के देख लेते हैं तो पिवट पॉइंट के आसपास ही ये सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। 377 के आसपास का इसका पिवट पॉइंट बनता है, आप देख सकते हैं, और इसके आसपास ही ये सपोर्ट ले रहा है। तो ओवरऑल ये है कि जो सपोर्ट है आपको 340-350 के बीच में कहीं पे भी स्टॉक मिलता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अकोमोलेट करना है। मैं इंटरडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर जैसे जैसे न्यूज़ अच्छी आती चली जाएंगी, लॉकडाउन ओपन होगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मार्जिन अच्छे होते चले जाएंगे, तो ये शेयर आपको डबल होता हुआ 550 इजिली लेवल दिखाएगा। कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो उसके बाद भी इसे रखा जा सकता है, अगर मैनेजमेंट चेंज होती है, PSU से ये प्राइवेट हो जाता है और ये आपको 1000 के लेवल्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा। इसको 2-3 साल के लिए आपको होल्ड करना है, 3 साल पोर्टफोलियो के अंदर रखना है। डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, अपसाइड बहुत अच्छी है और ये लेवल्स बहुत अच्छे बनते हैं। रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको 410-415 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन बनता है जैसे ही इसको क्रॉस करता है। पिवट टाइम पे भी देख सकते हैं 410 का ये एक रेजिस्टेंस दिखाया गया है। ATR पे भी मैंने दिखाया आपको, पैराबोलिक पे भी दिखाया कि सभी पे जो बनता है 405-410 का एक लेवल बनता है, उसको अगर ये क्रॉस करता है तो अच्छे ये मूव दिखाएगा 480-490 के आसपास। टारगेट्स भी मैंने बाकी कंपनियों के दिखा दिए जिसकी फेयर वैल्यू भी निकल कर आती है 550 से ऊपर की निकल कर आती है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, जैसे जैसे नीचे आता है इसे अकोमोलेट किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।